Hello friends, now that we have learned how to create a basic topology in Cisco Packet Tracer, ab hum routing protocols ke baare mein discuss karenge. This video will tell you about static routing using Cisco Packet Tracer. Firstly, main types of routing protocols discuss karunga. Routing protocols do type ke hote hain, static and dynamic. Static routing protocol automatically network discover nahi karte. We have to tell them about the remote networks. Whereas dynamic routing protocols like RIP version 1 and RIP version 2 remote networks khud se hi discover kar lete hain aur routing tables generate karte hain. Static routing hum is topology pe apply karenge. As we can see, there are 5 networks in here. सबसे पहले दो वाइड एरिया नेटवर्क्स हैं और तीन लोकल एरिया नेटवर्क्स हैं. Now, in as you can see, in routers or PCs की IP address set हो चुकी है. So let us start with the static routing. इसके लिए आप CLI पे जाएं, इसके global configuration mode पे जाएं. यहाँ से हम static routing configure कर सकते हैं. For that, let us start with the IP root command. IP root command हमें remote network की network address, उसका submit mask और उसका next hop decide करने को help करता है. IP root command use करने के लिए firstly हम remote network की network address type करते हैं. Let me tell you something about the remote networks and directly connected networks. Router 0 के लिए 10 और 11 networks directly connected हैं और 13, 12 और 14 networks remotely connected हैं. Router 1 के लिए 11, 13 और 12 networks directly connected हैं और 10 और 14 network remotely connected हैं. Now, so moving to our router 0. इसके लिए पहला रिमोटली कनेक्टेड नेटवर्क है 12.0.0.0. सो इसका आईपी एड्रेस टाइप करें, सेट द डिफॉल्ट द सबनेट मास्क एंड नाउ द नेक्स्ट हॉप. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट हॉप्स. जब एक पैकेट एक राउटर से दूसरे राउटर पे जाता है तो हम उसे एक हॉप कहते हैं. नंबर ऑफ हॉप्स को हॉप काउंट कहते हैं. हॉप काउंट के बारे में हम CCNA सिलेबस में और भी डिटेल में पढ़ेंगे. नाउ फर्स्टली राउटर 0 पे जाएं. इसके लिए नेक्स्ट हॉप ये वाला इंटरफेस होगा. वी सी इस इंटरफेस का आईपी एड्रेस That is serial 0x0x0 का IP address 11.0.0.2 है. So इसका IP address set करें. अब second remote network router 0 के लिए 13 network है. इसके लिए same command use करें. Network address specify करें और सबनेट मास्क स्पेसिफाई करें. अब ध्यान रखें कि यहां से जो पैकेट है वो इस तरफ जाने के लिए इसका नेक्स्ट हॉप हमेशा 11.0.0.2 ही होगा. दैट इज व्हाई द नेक्स्ट हॉप इन दिस केस रिमेंस अनचेंज्ड. थर्ड रिमोट नेटवर्क एंटर करें. सबनेट मास्क स्पेसिफाई करें. नाउ स्टैटिक राउटिंग राउटर 0 के लिए कंप्लीट हो चुकी है.
अब हम राउटर वन पे जाएंगे। राउटर वन पे जाके कॉन्फ़िगर पे जाएं, जीयूआई के थ्रू हम स्टैटिक राउटिंग सेट कर सकते हैं। स्टैटिक बटन क्लिक करें, आप यहाँ पे इक्विवेलेंट आईओएस कमांड्स देख सकते हैं। नाउ राउटर वन के लिए रिमोट नेटवर्क्स 10 और 14 हैं। सबसे पहले नेटवर्क एड्रेस डालें, फिर इसका सबनेट मास्क डालें। अब राउटर 10, नेटवर्क 10 के लिए नेक्स्ट हॉप राउटर वन से ये वाला पोर्ट होगा। इस पोर्ट की वैल्यू 11.0.0.1 है, सो नेक्स्ट हॉप सेट करें, दैट इज 11.0.0.1। ऐड करें, यहाँ पे नेटवर्क एड्रेस ऐड हो चुका है और यहाँ पे इक्विवेलेंट आईओएस कमांड सेट हो चुकी है। नाउ दूसरा नेटवर्क ऐड करें, दैट इज 14.0.0.0 एंड नेट मास्क द सेम। इसके लिए नेक्स्ट हॉप एज यू कैन सी 13.0.0.2 होगा। यहाँ पे नेक्स्ट हॉप एडिट करें, इसे ऐड करें, यू कैन सी ये ऐड हो चुका है। सिमिलरली गो टू राउटर टू, इसके कंफिग पे जाएं और स्टैटिक पे क्लिक करें। राउटर टू के लिए रिमोट नेटवर्क्स 3 है, दैट इज 10, 11 एंड 12। नेटवर्क पे जाएं और फर्स्ट रिमोट नेटवर्क एंटर करें, मास्क सेट करें और नेक्स्ट हॉप सेट करें। ध्यान रखें कि राउटर टू के लिए नेक्स्ट हॉप ये वाला इंटरफेस है, दैट इज दिस इंटरफेस इज सीरियल 0x0x1 विच इज 13.0.0.1। राउटर टू पे जाएं और नेक्स्ट हॉप सेट करें, दैट इज 13.0.0.1। अब इसे ऐड करें, इसके बाद नेक्स्ट रिमोट नेटवर्क ऐड करें, दैट इज 11, इसका नेक्स्ट हॉप सेम होगा। ऐड करें एंड देन फाइनली रिमोट नेटवर्क 12 ऐड करें। हमारी स्टैटिक राउटिंग की कॉन्फ़िगरेशन पूरी हो चुकी है। अब हमें अपनी टोपोलॉजी टेस्ट करनी है। ऐसा करने के लिए हम पैकेट्स सेंड और रिसीव कर सकते हैं। सिस्को पैकेट ट्रेसर हमें इस बटन से ये फीचर अवेलेबल कराता है। इस बटन को दबाकर इस कंप्यूटर से जिस कंप्यूटर पे आपको पैकेट भेजना है वहां पर ये पैकेट क्लिक करें। You see, here it is, it says that ICMP is successful. So, this route is working. Now, PC1 से PC2 को पैकेट भेजें, this is successful as well. And then, PC0 से PC2 को पैकेट भेजें, you see, it is successful as well. So, अगर आपका पैकेट फर्स्ट टाइम में डिलीवर नहीं होता है, घबराएं नहीं। सिस्को पैकेट ट्रेसर में एक कॉमन फीचर है कि फर्स्ट ट्रांसमिशन में स्टेटस फेल आता है, इसके बाद आप सेकंड ट्रांसमिशन करके देखें, आपका ट्रांसमिशन सक्सेसफुल आएगा। और अगर वैसा नहीं होता, देन यू चेक योर टोपोलॉजी अगेन, दे मस्ट बी हैविंग सम मिस्टेक्स। नाउ वी हैव लर्न स्टैटिक राउटिंग। इन द नेक्स्ट एडिशन वी विल लर्न अबाउट डायनेमिक राउटिंग। फॉर दैट कीप ट्यून्ड इन विद नेटवर्क हब। थैंक यू।